ग्वालियर शहर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के पंच नगर समता बिहार में एक रिटायर्ड फौजी ने पत्नी से विवाद के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार देर रात की बताई गई है। खास बात यह है कि आरोपी फौजी नरेश धनौलिया और उसके परिवार ने घटना की जानकारी मायके के पक्ष से रात भर छुपाए रखी। सुबह पड़ोसियों की सूचना पर मुरैना में रहने वाले मृतका सोदा सोलंकी धनौलिया के परिवार को मामले की जानकारी मिली और वह सीधे अस्पताल पहुंचे, जहां मृतका के पोषण की तैयारी चल रही थी। सुधा और नरेश की शादी करीब 23 साल पहले हुई थी। दोनों के एक लड़का और एक लड़की संतान के रूप में है। लड़की की हाल ही में शादी हुई है, जबकि लड़का छोटा है। मृतका के परिवार के लोगों ने रिटायर्ड फौजी नरेश सोलंकी धनौलिया पर आए दिन सुधा की मारपीट करने और उसे तरह तरह से प्रताड़ित करने का आरोप लगाए हैं। थाटीपुर पुलिस ने हत्यारे फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। खास बात यह कि नरेश का छोटा भाई चतुर्भुज धनौलिया इलाके का पार्षद भी है। पति पत्नी के बीच किस बात को लेकर विवाद चल रहा था, इसका फिलहाल पता नहीं चला है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। फिलहाल मृतका सुधा के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। सुधा के मायके पक्ष के लोगों ने पति नरेश धनौलिया सहित उसके परिवार पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान धनौलिया परिवार के अन्य सदस्य गायब हो गए हैं। पुलिस ने फौजी की लाइसेंस बंदूक को भी जब्त कर लिया है। कल शाम को फोन किया मैंने, रविकांत सोलंकी मेरा नाम है और जो अभी मेरी दीदी खत्म हुई है, मेरे जीआई ने इनको गोली मार दी। क्या हुआ था? कल शाम को मैंने फोन किया कि मैंने कहा जीआई और कैसे क्या चल रहा है, मैंने बच्चे से फोन करने के लिए बात ही करेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम मतलब गाली वाली देखे कि मैं यहाँ फोन क्यों लगा रहा है। मैंने कहा जीआई अगर मैं फोन नहीं लगाऊंगा यहाँ तो और कौन लगाए, मेरे पिताजी नहीं है। तो कहता कि नहीं तू यहाँ फोन नहीं लगाई, मेरी लगाई है। मैंने कि तेरी लगाई कहाँ जाएगी, जब मैं अगर नहीं होता तो मेरी बहन नहीं होती ना, तेरी लगाई कहाँ जाती है। और फोन काट दो, आज रात में गोली मार दी और रात में 11 बजे जी मरी धरी हो पूरे परिवार ने, अभी तक न्यू खबर ना कही कि वो मर गई है। डॉक्टर से अब खबर मिल रही है कि वो तो रात में 11 बजे मर गई। हम आए सवेरे के ट्रेन पहले आर्मी में दीदी टीचर रही, उन्होंने करवाया ये सब कुछ। धनौलिया और जीजाजी को नाम है नरेश धनौलिया, मेरा खानदान ही खून था। छोड़ेंगे नहीं, मैं जाए जाने मतलब 21 साल से भाई साहब में ऐसा हो ऐसा तब ते मैं जब जब घर लेवे गया हूँ ना अपनी जीजी है तब तब मार के भगावे के जा मारा चुत्ते हो जी जाए को जाए। 15 साल से मैं देख रही हूँ दीदी को मार पिकते हुए। आज कल फोन करो, मैं तुम ये फोन ले लो, अगर मैं फोन में अगर कोई रिकॉर्ड आ जाए कि नहीं मैंने जीजी से बात करिए, चलो भैया पति पत्नी जैसे सुखी रहे हैं चलो मरण दे, लेकिन बाको सलाज जी मिलो के आज गोली मार दी। और क्या उम्र है दीदी की? अपनी दीदी की उम्र होगी 50 साल, नहीं 40 साल के आसपास। 40-42 कल रात को 11 बजे की बात है। ये धौलपुर मेला ग्राउंड के पीछे इंद्रमणि नगर की तरफ एक घर है जो कि नरेश चतुर्भुज धनौलिया और नरेश धनौलिया दो भाई हैं, दोनों रहते हैं। नरेश धनौलिया जो है कि अपने घर पर ही था और उसका अपनी पत्नी से कुछ विवाद हो रहा था, जिसकी वजह से उसने कैस और गुस्से में आकर के अपनी घर में रखी हुई लाइसेंसी बंदूक से अपनी पत्नी को गोली मार दी। इसकी रिपोर्ट पर से हमने अपराध पंजीबद्ध किया है, आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। और चूंकि इस मामले में उनको जो घायल अवस्था में उनकी पत्नी थी सुधा, उनको हमने भर्ती कराया था उसके परिवारजनों के द्वारा हॉस्पिटल में, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है, जिसके आगे की कार्रवाई जारी है। ऐसा सुनने में आया है कि वो आर्मी से रिटायर भी हैं।